मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री एवं आगर जिले के प्रभारी मंत्री जयवर्धन सिंह आगर दौरे पर रहे। मंत्री जयवर्धन सिंह ने किसानों की वर्षों पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए सिरपोई डैम की स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा पिपलौन कला नगर में उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति भी प्रदान की एवं पिपलौन कला पिपलौन खुर्द व आसपास के ग्रामीण अपनी उपज को लेकर तनौड़िया उपार्जन केंद्र पर जाते थे। इस समस्या से निजात पाने के लिए क्षेत्र के किसानों ने मंत्री जी से आग्रह किया कि एक गेहूं उपार्जन केंद्र पिपलौन कला में खोलने की अनुमति प्रदान करे। इस पर मंत्री जयवर्धन सिंह ने तुरंत किसानों की समस्या को देखते हुए गेहूं उपार्जन केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की। इस मौके पर पूर्व सांसद श्री नारायण सिंह आमला एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी यादव एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्री भैरव सिंह जी एवं बड़ों से श्री भैरव सिंह बापू एवं आगर ब्लॉक अध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह एवं गणमान्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लेकिन ऐसे बहुत सारे विकास कार्य हैं और बहुत सारे जनहित की योजनाएं हैं जो भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक साल में करके दिखाया है। अतिवर्षा हुई इस साल, बंसौर नीमच आगर पूरे मालवा में सोयाबीन की फसल थी, उस पर नुकसान हुआ और अकेले आगर जिले में माननीय कमलनाथ जी ने, इस प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने आगर जिले में अकेले 150 करोड़ रुपए की मौजूदा राशि दिलवाई।